ओके स्टूडेंट, अभी हो गया शायद से। ठीक है, प्लीज यस बताइए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ओके मैम। स्टूडेंट, तो ये कल हमने जो पढ़ा था स्टूडेंट कॉन्ग्रेंट लाइन, उसके ऊपर दो क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, तो पहले दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद आज जो न्यू टॉपिक है वो करेंगे। ठीक है, और स्टूडेंट आपका संडे के दिन जो टेस्ट होने वाला है उसका सिलेबस आपको मिल गया है। उसमें सिर्फ हमारा एक टॉपिक रह गया था एक्स सेंटर के बारे में, वो मैं आपको क्विकली बताती हूँ एक्स सेंटर होता क्या। ठीक है, इन सेंटर पढ़ लिया था हमने, सर्कम सेंटर पढ़ लिया था, ऑर्थो सेंटर पढ़ लिया था, सेंट्रोइड के बारे में पढ़ लिया था, सिर्फ क्या रह गया था हमारा एक्स सेंटर रह गया था, वो है क्या, वो आज मैं आपको क्विकली बताऊंगी। ठीक है, पहले तो ये दो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये फटाफट हमें सोल्व करना है, तो क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बुक में भी डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ये जो तीनों लाइन है ये कॉन्करेंट है। ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट भी बताना है। तो स्टूडेंट एक तो तरीका मैंने आपको बताया था कि तीन लाइन को अगर आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो जो डिटरमिनेंट मैंने बताया था, फर्स्ट रो में A1 B1 C1 लिखते थे, सेकंड रो में A2 B2 C2 लिखते थे, थर्ड रो में आप A3 B3 C3 लिखते थे, वो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो अगर आ जाता है तो आप बताते हैं कि तीनों लाइन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखते हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस भी फाइंड करने के लिए बोला है, फिर हमें इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करते हैं। तीन इक्वेशन दी हुई है, तो स्टूडेंट पहले क्या करते हैं, कोई भी दो इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा दो इक्वेशन का, मतलब दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिला है वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आप बोल सकते हो कि तीनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है और इंटरसेक्शन पॉइंट भी इजिली मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो ऐसा करें बताइए, क्योंकि बहुत सारे मेथड है इसको करने का, तो ये मुझे लगता है ये आपका बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट इसको। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशंस आर, द गिवन इक्वेशंस आर, ठीक है स्टूडेंट यहाँ पे नंबर दे देते ताकि इजी हो फिर हमारे पास, 3x-4y+5=0, नंबर वन दे देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर वन। अच्छा दीपिका, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाह रहे हैं दीपिका? कुछ बोलना चाह रहे तो प्लीज बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, जो भी स्टूडेंट है क्लास में प्लीज बताइए मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। ओके स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको तीन लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये लाइन आपके कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उनका इंटरसेक्शन पॉइंट से हमें ये बताना है। दीपिका हाँ बोलिए, आपका हैंड रेज दिख रहा है मुझे, लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैम आई थिंक गलती से हो गया होगा इनसे। ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने तीनों लाइन का इक्वेशन लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे नंबर भी दे दिया है 1, 2, 3, और आपको बताना है ये तीनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है। तो स्टूडेंट आप बताइए कौन सी दो लाइन की इक्वेशन को मैं साइमल्टेनियसली सोल्व करूं। ठीक है, तो बताइए 1 और 2 को सोल्व कर ले साइमल्टेनियसली। ठीक है, फिर हम जो आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी ना, वो थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। तो अभी कौन बच्चा मुझे बताएगा, कौन स्टूडेंट यहाँ पे बताएगा साइमल्टेनियसली सोल्व करने का मतलब क्या है? तो पहले जैसे आपने पहली और सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसको सोल्व करना है, तो आप क्या करने का ट्राई करेंगे, या तो एक्स को एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे या वाई को एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे। वो कैसे करते हैं स्टूडेंट, कोएफिशिएंट सेम बनाने का ट्राई करते हैं आप? तो बताइए स्टूडेंट मैं क्या करूँ, पहले वाली और दूसरी वाली इक्वेशन अगर मैं ले रही हूँ तो आप मुझे बताइए कि अगर आप चाहे तो पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको फिर y का कोएफिशिएंट -8 मिल जाएगा, दूसरे वाले में तो ऑलरेडी -8 है y का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो बताइए क्या करें, एवरीवन ऐसा लिख दे? तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ आप बताइए, आपको जो इजी लगे वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे, क्या मिलेगा हमें, वी गेट, ठीक है, तो ये मिलेगा 6x-8y, देख लीजिए, फिर +10 मिलेगा = 0। इसको आप नंबर 4 बोल दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि हम इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सोल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं उनका। अभी इक्वेशन 2 ये है, तो अभी क्या करें स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कौन सी इक्वेशन को किसमें से सब्ट्रैक्ट करूं, इक्वेशन नंबर 4 को मैं
इक्वेशन नंबर टू से सब्ट्रैक्ट कर दूं, प्लीज बताइए. तो ऐसा लिख सकते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग. ठीक है, हम इक्वेशन वन और टू को साइमल्टेनियसली सोल्व कर रहे हैं. ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर फ्रॉम इक्वेशन टू. ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा, मैं लिख के दिखा देती हूँ स्टूडेंट. यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का. एक तो मैंने आपको डिटरमिनेंट जो बताया था, डिटरमिनेंट जहाँ पे फर्स्ट रो में A1 B1 C1, सेकंड रो में A2 B2 C2, थर्ड रो में A3 B3 C3 लिखते हैं, उसकी वैल्यू जीरो करके आप बताना चाहते हैं तो वहां से भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा स्टूडेंट. लेकिन यहाँ पे हमें उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है, तो ऐसा हम सोल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर फ्रॉम इक्वेशन टू. क्या इक्वेशन टू क्या है हमारे पास, 7x - 8y + 5 = 0. 7x - 8y + 5 = 0 है. ठीक है, इसमें से हमें 4 वाली सब्ट्रैक्ट करनी है, ये वाली. बताइए स्टूडेंट क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करके बताइए. इसके नीचे लिख दिया है, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस 8y और प्लस 8y कैंसिल, यहाँ पे क्या मिलेगा 7x - 6x मिल गया यहाँ पे स्टूडेंट. और यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, -5 = 0. प्लीज बताइए सबको क्या मिला, इक्वल टू 5. वेरी गुड, x की वैल्यू हो गई 5. ठीक है स्टूडेंट, x की वैल्यू 5 अभी आप चाहे तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए या 2 में सब्स्टिट्यूट कीजिए या 4 में सब्स्टिट्यूट कीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे चलो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 5 in equation 1, we get. ठीक है, बताइए क्या आ रहा है सब लोग. इक्वेशन 1 है आपके सामने, 3x - 4y + 5 = 0. 3x, x की वैल्यू 5 है. फिर था 3x के बाद क्या था हमारे पास, -4y + 5 = 0. यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट, बताइए 5 × 3 = 15, ये हो गया -4y + 5 = 0. मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 15 और 5 20 हो गया स्टूडेंट, एडिशन 20 माइनस y = 5 5 ही आ रहा है. वेरी गुड, यहाँ पे लिख लेते हैं मैम 20. ओके, 20 = 4y, मतलब यहाँ से y की वैल्यू आपको 5 ही मिलती है. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, y की वैल्यू 5 मिली और यहाँ पे x की वैल्यू भी 5 ही मिली थी ना शायद से. हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन 1 और 2 का इंटरसेक्शन, जो लाइन का इक्वेशन दिया था उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें पता चल गया है. तो लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, या ऐसा भी लिख सकते हैं देयरफॉर, एक सेकेंड, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, ये क्या हो रहा है, इसपे लिखा क्यों नहीं जा रहा है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, देयरफॉर द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन 1 और 2. इक्वेशन दी हुई है लाइन, ओके लाइंस 1 और 2 इज, यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया आपको पता है 5, 5. किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए एवरीवन. जी आपको नाम तो नाम लिख दीजिए, टी ए जो भी लिखना लिख दीजिए. तो हमने क्या बता दिया है कि ये जो दो दो लाइन हमने देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 3 लाइन का इक्वेशन दिया था, हमने स्टार्टिंग के 2 लाइन को साइमल्टेनियसली सोल्व किया है और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है जो हमें मिल रहा है 5, 5. अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें जो थर्ड इक्वेशन बच रही है वहां पे 5, 5 सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब वो पॉइंट ये वाले लाइन के ऊपर भी, मतलब इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट वाला क्या लिखेंगे, ये हो गया हमारे पास. तो लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू 5 एंड वाई इज इक्वल टू 5 इन द लेफ्ट हैंड साइड, लिख सकते हैं इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3. ठीक है, क्योंकि थर्ड लाइन का इक्वेशन आपने इक्वेशन 3 से बोला है. ठीक है, यहाँ पे देख लो, तो इसके अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर हमें लिया स्टूडेंट क्या मिलेगा, चलो लिख देते हैं पहले. तो लेफ्ट हैंड साइड हमें ये मिल रहा है, क्या
लिख देते हैं इसका, 4x plus 5y minus 45 is equal to 0. 4x plus 5y minus 45 ये है और ये equal to 0. Equal to 0 मतलब right side में student अभी substitute कीजिए यहाँ पे x की value 5 satisfy कर रहा रहेगा तो ये मतलब ये तो 4 into 5 हो गया, फिर यहाँ पे 5 into 5 हो गया तो check कर लेते हैं तो ये हमारे पास मिल रहा है 20 प्लस 25 माइनस 45 तो 45 माइनस 45 मिल रहा है स्टूडेंट, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, इक्वल टू जीरो आया मतलब इक्वल टू राइट हैंड साइड आया. ठीक है, ये हमें प्रूफ भी करना था और इंटरसेक्शन पॉइंट पे मिल गया स्टूडेंट, तो यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर क्या लिखे बताइए. तो ऐसा लिख सकते हैं जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट अभी लिख रहे हैं 5.5 लाइज ऑन लाइन 3 ऑल्सो. ठीक है, लाइन 3 जिसका इक्वेशन हमने लिखा था क्योंकि यहाँ पे लाइन 3 लाइन का इक्वेशन दिया होता स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए तो हमने ये नंबर 3 बोला था तो इसके ऊपर भी ये लाई कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे 5.5 लाइज ऑन द लाइन 3 ऑल्सो. ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर लाइंस 1, 2 एंड 3 लाइंस 1, 2 एंड 3 आर, या पूरा इक्वेशन लिखना चाहिए तो लिख दीजिए, आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, आप चाहे तो डिटरमिनेंट की हेल्प से भी चेक कर सकते थे और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस जिसको हम बोल रहे हैं 5.5 हो जाएगा. प्लीज बताइए लिख सकते हैं ना ऐसा मैम? यस, देयरफॉर देयर पॉइंट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 5.5. ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपके फाइनल एग्जाम में भी मिल सकते हैं. किसी को कुछ डाउट है तो वो प्लीज पूछ लीजिए. सबको समझ में आया? आप चाहे तो डिटरमिनेंट की हेल्प से भी कर सकते थे लेकिन हमने ऐसा सोल्व इसलिए किया क्योंकि आपको इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना था. तो यहाँ पे ऑलरेडी आपने साइमल्टेनियसली सोल्व किया तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया है. ठीक है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट दो लाइन का आपने साइमल्टेनियसली इक्वेशन सोल्व करके निकालना है. अगर वो पॉइंट थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो आप बोल सकते हैं कि वो वाला पॉइंट थर्ड लाइन के ऊपर भी है. तो यहाँ से आपको पता चला 3 लाइन यहाँ पे आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया सेम. ठीक है, प्लीज बताइए समझ में आया? यस मैम. यस मैम, वेरी गुड. यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है, मैं आपको दिखा देती हूँ. कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द लाइन 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 5x plus ky minus 3 is equal to 0 and 2x plus y minus 3 is equal to 0 are congruent. Student, इसको भी सोल्व करने के दो मेथड है. एक तो आप जैसे अभी किया था, कोई भी देखो यहाँ पे, देखो जैसे यहाँ पे 3 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, उसको नंबर 1, 2, 3 दे दीजिए, जिसमें k नहीं है उन बाकी दो को सोल्व कर लीजिए, वहां से x और y की जो वैल्यू मिलेगी क्योंकि ये तीनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है तो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी स्टूडेंट. तो एक तो तरीका ये है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं तो डिटरमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा था अभी अप्लाई कर लेते हैं. करें यहाँ पे, प्लीज बताइए कोई भी मेथड आप बताइए, दोनों से आंसर सेम आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस यहाँ पे जो लाइन दी हुई है उनका इक्वेशन लिख लेते हैं, सिंस 3x माइनस, ओके लाइन लिख देते, सिंस द लाइंस 3x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 5x plus ky minus 3 is equal to 0 and यहाँ पे 2x plus y minus 3 is equal to 0 are congruent. ठीक है स्टूडेंट, एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया है जहाँ पे k नहीं है वो बाकी दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करके जो x और y की वैल्यू मिलेगी वो जो यहाँ पे k दिया है वो वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, k की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, नहीं तो मैं डिटरमिनेंट वाले से भी दिखा देती हूँ आपको कॉन्सेप्ट से, सिंस द लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट. तो यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ, मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा. यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 0. फर्स्ट रो में क्या लिखते थे, a1 b1 c1. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे x y और कॉन्स्टेंट टर्म. देखिए पहली वाली इक्वेशन देखिए, यहाँ पे x की देखो x का कोएफिशिएंट कितना स्टूडेंट, 3 है, y का कोएफिशिएंट -1 है, कॉन्स्टेंट टर्म -2. तो ऐसा लिख दो यहाँ पे देख लीजिए, 3 -1 -2. ठीक है, a1 b1 c1. यहाँ पे देखिए a2 b2 c2, तो ये हो गया 5, यहाँ पे हो गया k, यहाँ पे आपको मिल रहा है -3.
यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, टू वन माइनस थ्री, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, मुझे लगता है ये ज्यादा इजी है, आपकी मर्जी जो भी इजी लगे। इसको सोल्व करके हमें के की वैल्यू निकालनी है और डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको पता है जीरो है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करते हैं। कैसे लिखेंगे देख लीजिए, पहले तो लिखेंगे थ्री, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है थ्री एज इट इज, ठीक है। थ्री इन टू क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, बाकी जो एलिमेंट बचा उनका डिटरमिनेंट, सो माइनस थ्री के प्लस थ्री, देख लीजिए माइनस थ्री के प्लस थ्री, मैं लिख देती हूँ माइनस थ्री के प्लस थ्री, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। फिर आता है माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एलिमेंट है माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस वन आएगा। फिर मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया है, बाकी एलिमेंट का डिटरमिनेंट फाइव इंटू माइनस थ्री मतलब माइनस फिफ्टीन हो गया। देख लीजिए स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके, फाइव इंटू माइनस थ्री माइनस फिफ्टीन हो गया, ठीक है। सो माइनस फिफ्टीन प्लस सिक्स, मैं डायरेक्टली लिख लूँ यहाँ पे माइनस फिफ्टीन प्लस सिक्स, ठीक है। फिर आता है प्लस साइन, उसके बाद क्या लिखते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है माइनस टू, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे माइनस टू, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये देखिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट डिलीट कर दिए हैं, जो बाकी एलिमेंट बचा उनका डिटरमिनेंट फाइव माइनस टू के, चेक कर रहे हैं कि नहीं सब लोग बताइए, क्योंकि फाइव माइनस टू के मैं डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला हमने लिखा था थ्री इंटू, लिखा था माइनस थ्री के प्लस थ्री, तो चेक कर लेते हैं माइनस थ्री के प्लस थ्री सही लिखा है। फिर माइनस ऑफ माइनस वन लिखा, उसके बाद हमने ये डिलीट कर दिया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस फिफ्टीन प्लस सिक्स, माइनस फिफ्टीन प्लस सिक्स सही लिखा है। फिर माइनस टू ये आ गया यहाँ पे, फिर फाइव माइनस टू के, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है जीरो। स्टूडेंट देखते हैं कितने स्टूडेंट ने निकाला आंसर इसका, तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा माइनस नाइन के प्लस थ्री, थ्री जो नाइन, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया स्टूडेंट, प्लस वन और ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है माइनस फिफ्टीन प्लस सिक्स, ये कितना आएगा एवरी वन, माइनस नाइन आ रहे हैं ना इधर, देखिए ब्रैकेट के अंदर सेकंड वाली ये वाली ब्रैकेट, यस ओके, तो बाहर माइनस था, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस नाइन हो गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस टेन एंड प्लस यहाँ पे फोर के, देख लीजिए स्टूडेंट आपका कैलकुलेशन यहाँ पे अभी कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे प्लस नाइन और माइनस नाइन कैंसिल किया आपने, ठीक है। और उसके बाद क्या बच रहा है स्टूडेंट देख लीजिए, माइनस नाइन के है यहाँ पे प्लस का फोर के, तो इन दोनों को मिला के माइनस फाइव के मिल जाएगा, फिर है माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, या वेरी गुड एक्सेल। यहाँ पे स्टूडेंट के का वैल्यू टू आ रहा है कि माइनस टू आ रहा है चेक कीजिए एक बार, दिखा देते देखो देखो यहाँ पे मिला है माइनस फाइव के आपको मिल गया टेन, वेरी गुड के की वैल्यू माइनस, ठीक है वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो एक तो ये तरीका मैंने आपको बताया, दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें के की वैल्यू मिल रही है माइनस टू, ठीक है। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, वेरी गुड स्टूडेंट यहाँ पे आंसर कर रहे बहुत सारे स्टूडेंट। दूसरा तरीका अगर किसी को अप्लाई करना है स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी क्लास में मैंने ये वाला मेथड लिया है तो इससे हमने कर लिया है। दूसरा तरीका क्या बताया था, तीन लाइन का इक्वेशन दिया है जहाँ पे के नहीं है, वो वाली दो इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू जो आई ना वो थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि तीनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे उनका कॉमन क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको के की वैल्यू जो मिलेगी आएगी माइनस टू, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, सबको समझ में आया, यस मैम, ठीक है ओके स्टूडेंट। तो ये हमने कॉन्ग्रुएंट लाइन के ऊपर दो क्वेश्चन के, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि क्लास में नहीं कर सकते बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको सिर्फ हिंट बता रही हूँ आपको फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर। लास्ट टाइम भी हमने ऑर्थो सेंटर की बात करी थी, लेकिन बोलेंगे मैम ये क्वेश्चन में स्पेशल क्या है, इस क्वेश्चन में स्पेशल ये है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल के वर्टाइसेस नहीं दिए हुए, वर्टाइसेस नहीं दिए, पहले आपको वर्टाइसेस फाइंड करने पड़ेंगे। कैसे, ये क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है ऑफ ट्रायंगल हूज साइड लाइंग अलोंग द लाइन, मतलब यहाँ पे ऐसा दिया है देखो, ट्रायंगल के तीनों साइड का इक्वेशन दे दिया इन्होंने, ठीक है, जैसे ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन, तो ये देखो ये वाली जो साइड है इसका इक्वेशन दिया है, इसकी देखो यहाँ पे नाम दे दिया, जैसे मैंने ए बी सी,
ठीक है स्टूडेंट, तो आप बोलेंगे मैम एबी का इक्वेशन दिया है, एसी का इक्वेशन दिया है, बीसी का दिया है, तो बीसी का इक्वेशन और एबी इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे तो बी के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, एसी का इक्वेशन जो दिया है स्टूडेंट इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे तो सी के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, प्लीज ट्राई कीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको ट्रायंगल के तीनों साइड का इक्वेशन दे दिया है और यहाँ पे बोला है ऑर्थो सेंटर निकालें। स्टूडेंट किसी को याद है ऑर्थो सेंटर होता क्या है, याद है कि नहीं? परपेंडिकुलर, जहाँ पे हाँ ट्रायंगल के तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर जहाँ पे मिलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो स्टूडेंट पहले तो इस पे आपको वर्टाइसिस निकालने पड़ेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, इसके लिए मैं होमवर्क में लिखा है, प्लीज ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। अभी मैं क्लास में डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने ऑर्थो सेंटर के क्वेश्चन पहले डिस्कस किए, सिर्फ यहाँ पे स्पेशल क्या है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली ट्रायंगल के वर्टाइसिस नहीं दिए, पहले वो फाइंड करने हैं, उसके बाद का प्रोसीजर तो सेम है जो आपको आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये होमवर्क में क्वेश्चन है, और अभी संडे के दिन आपका टेस्ट होने वाला है स्टूडेंट, उसमें एक टॉपिक आने वाला है एक्स सेंटर, वो हमारा मिस हो गया था स्टार्टिंग में, वो एक बार मैं क्विकली बता देती हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, पूरा डिटेल में नहीं बता रही, एक्स सेंटर होता क्या है, जैसे इन सेंटर का याद है कितने लोगों को, इन सेंटर में क्या हो रहा था, ट्रायंगल के देखो ट्रायंगल आपको मिल रही थी, जैसे ट्रायंगल एबीसी था, तो उसके इंटरनल जो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट में मिल रहे थे वो पॉइंट को आप इन सेंटर बोल रहे थे, स्टूडेंट आई से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। अभी एक्स सेंटर होता क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको ये अगर एमसीक्यू टाइप के कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आप मार्क कर सकते हो, उसके ऊपर क्वेश्चन तो वैसे पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए होता क्या है। एक्स सेंटर स्टूडेंट ये है, इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, ऑफ टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स एंड वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब क्या हुआ, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे ट्रायंगल दिख रही थी ए बी सी, ठीक है, तो आपने क्या किया, एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले लिया है, ठीक है, और ये जो बाकी जो देखो ट्रायंगल का, देखिए यहाँ पे ए बी सी लिया था, जो एंगल बी है स्टूडेंट उसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रफ डायग्राम बनाने का ट्राई करूँ स्टूडेंट, देखिए ये आपके पास एक ट्रायंगल थी, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ट्रायंगल को देखिए, एक तो ये एंगल हो गया इंटरनल एंगल हो गया, इसका कुछ नाम दे देते हैं, ये ट्रायंगल हो गई ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जैसे एंगल ए का आपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले लिया, वो कुछ ऐसा रहेगा आपके पास, देखिए एवरीवन एग्री करेंगे, यहाँ पे मैं बना के दिखा रही हूँ आपको, ठीक है, तो ये एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया, तो यहाँ पे नाम दे सकते हैं कुछ, ठीक है। तो अभी क्या करें, एक तो हमने एक एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले लिया है, और बाकी जो है ना स्टूडेंट यहाँ पे बी ओ सी के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, आप बोलेंगे मैम एक्सटर्नल कैसे आता है, देखो इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ये वाले साइड को भी आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो जो ये एंगल बचा ना, ये वाला एंगल और इधर वाला एंगल, उनके बाइसेक्टर मतलब ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है, ये जो तीनों यहाँ पे मिल रहे हैं ना, ये वाला जो पॉइंट है आप इसको बोल रहे हैं एक्स सेंटर, ठीक है। देखिए वापिस से देख लीजिए डेफिनेशन, अगर बोले तो एक्स सेंटर क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंस, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, देखो यहाँ पे एंगल, यहाँ पे बी और सी के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मिल रहे हैं स्टूडेंट। तो ये एक तो आपको एक मिल गया एक्स सेंटर, तो ये ट्रायंगल में आपको तीन एक्स सेंटर मिलते हैं, समझ में आया कुछ, कितने लोगों को समझ में आया प्लीज बताइए। अभी स्टूडेंट मैं वापिस से बता दूं, कुछ समझ में आया स्टूडेंट, नहीं मतलब ट्रायंगल में, ओके वापिस से बता दूं स्टूडेंट, ये डायग्राम में तो मैंने एक ही दिखाया आपको स्टूडेंट, ट्रायंगल है आपके पास एबीसी, ठीक है। अभी कुछ स्टूडेंट ने सपोज एंगल जो बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले लिया, मैं वापिस से एक दिखा देती हूँ आपको, पूरा सिर्फ ये जानने की जरूरत है आपको, जैसे यहाँ पे कुछ नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी इसको स्टूडेंट बोलेंगे कि मैम मैं एंगल बी का क्या है, ये एंगल बी है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले रहा हूँ, तो कुछ ऐसा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सपोज यहाँ पे डायग्राम अच्छे से नहीं बना है तो मैं अच्छे से बना के दिखा देती हूँ, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आपको पता है कुछ, ओके ऐसा रहेगा, मतलब ये दोनों एंगल आपका बराबर बनता है, ठीक है। तो आपने इसका ये ले लिया स्टूडेंट, अभी क्या है बाकी के जो एंगल है ना उसके एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल कैसे बनेंगे, तो आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, साइड बी सी को प्रोड्यूस किया, साइड ए सी को प्रोड्यूस किया, ठीक है। अभी स्टूडेंट अभी क्या करेंगे, तो यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये बन गया एक्सटर्नल एंगल ए बन गया, ये एक्सटर्नल एंगल सी बन गया, ठीक है। तो इनके बाइसेक्टर मतलब यहाँ पे अगर मैं रफली दिखाऊं स्टूडेंट तो कुछ ऐसा रहेगा आपके पास, इधर से भी कुछ ऐसा आएगा, जो यहाँ पे तीनों जहाँ पे मीट करेंगे ना वो आपको देगा एक्स सेंटर, ठीक है।
प्लीज बताइए, अभी के लिए मैं इरेज कर रही हूँ, यहाँ पे वापस से रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट। ट्रायंगल के अंदर आपको पता है तीन वर्टाइसेस होते हैं ए बी सी, ठीक है। तो अभी अगर आप क्या कर रहे हो, ट्रायंगल के अंदर आपको तीन वर्टाइसेस पता है, तो एक एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले रहे हो और बाकी दो जो एंगल है उनका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर आपका जिस पॉइंट में मीट कर रहा है वो आपको क्या देगा, एक्सेंटर, ठीक है। तो ट्रायंगल के अंदर आपको कितने एक्सेंटर मिलेंगे स्टूडेंट, तीन मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया है, बी और सी के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लिए, इसको हम आई वन से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई तो आपको पता है इन सेंटर के लिए यूज करते हैं, आई वन आप बोल सकते हैं। एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया है, एंगल बी और सी का आपने एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लिया है, तो बेसिकली आपको क्या जानने की जरूरत है, इसका एक्स सेंटर का मतलब होता है क्या वो। और ये स्टूडेंट मैं आपको दिखा रही हूँ रिजल्ट, ये डायरेक्टली आप कोई क्वेश्चन वैसे रेयरली पूछा जाता है लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एक्स सेंटर कितना हो जाएगा इन एनी ट्रायंगल, यहाँ पे थ्री हो जाएगा स्टूडेंट। तीन कैसे मिलेगा, बात समझ में आई, क्योंकि एक मैंने आपको दिखाया डायग्राम में, देख लीजिए एक दिखाया है। अभी क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे मैं एंगल बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे देखो, मैं इसी डायग्राम में बनाने का ट्राई करती हूँ, कुछ ऐसा होगा स्टूडेंट बताइए, इधर जो रेड रेड से दिखा रही हूँ। अभी क्या करेंगे, ठीक है, ये तो हो गया एंगल बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अभी जो बाकी एंगल ए देखो, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको, तो इस ए के डायग्राम में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ये साइड को मैंने थोड़ा प्रोड्यूस किया इधर से भी, ओके, ये वाला साइड को प्रोड्यूस किया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। एवरीवन समझ में आ रहा है, तो यहाँ से एंगल सी और यहाँ पे ए का भी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो तीनों जहाँ पे मीट करेंगे वो आपको एक और एक्सेंटर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अभी के लिए मैं इसमें इरेज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपना जो डायग्राम है थोड़ा कॉम्प्लिकेट बन जाएगा, लेकिन वापिस से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट, क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक्सेंटर कैसे मिलता है आपको, ट्रायंगल के अंदर एक एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले रहे हो और बाकी दो एंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ले रहे हो, वो जिस पॉइंट में मीट कर रहे हैं वो पॉइंट को हम बोल रहे हैं एक्सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल के अंदर तीन एक्सेंटर मिलेंगे, और यहाँ पे अगर उनमें रिलेशन की बात की जाए, इन सेंटर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, इन सेंटर क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं वो पढ़ा था। अभी के लिए सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इन सेंटर और एक्सेंटर वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे। और यहाँ पे स्टूडेंट ये जो मैंने आपको दिखाया है आई वन आई टू आई थ्री, ये क्या है, आपके एक्सेंटर की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आई वन का मतलब ये है, आपने जो तीन एक्सेंटर होते हैं मैंने अभी बताया, तो आई वन मतलब आपने एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया है और बी और जो सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लिया, जिस पॉइंट पे मीट किया उसको आपने आई वन बोला है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे जैसे हमने इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाले थे कुछ वैसा ही है, बट एक चीज यहाँ पे याद रखिए, जब एक्स सेंटर निकाल रहे हो आई वन, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है आपको, ठीक है। जो हमने इन सेंटर का कुछ ऐसा फॉर्मूला था स्टूडेंट, मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, हमने कुछ ऐसा लिखा था, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे थे हमारे पास, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो स्टूडेंट ये हो जाएगा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। और स्टूडेंट आपको मुझे पता है, सबको पता होगा स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c क्या है स्टूडेंट, स्मॉल a है लेंथ ऑफ साइड ए सी, नहीं ए सी आएगा कि बी सी, एक सेकेंड यहाँ पे मैं चेक करती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे मिस्टेक है, जो स्मॉल है ये डिनोट कर रहे हैं बेसिकली लेंथ ऑफ बी सी, ठीक है। स्मॉल b डिनोट कर रहे हैं लेंथ ऑफ ए सी, एंड यहाँ पे स्मॉल सी है लेंथ ऑफ साइड ए बी। एवरीवन प्लीज बताइए, याद है कि नहीं ये वाली चीज, कोई भी स्टूडेंट रिप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, प्लीज वापस से चेक कर, तो यहाँ पे जो स्मॉल ए है वो स्मॉल ए क्या है, बी सी का लेंथ है, मतलब यहाँ पे अगर डायग्राम में देखिए ना स्टूडेंट, जो एंगल ए है उसके अपोजिट साइड, देखो एंगल ए है उसके अपोजिट साइड को आपने स्मॉल ए से डिनोट किया, ठीक है। जो एंगल बी है उसके अपोजिट साइड को आपने क्या है, स्मॉल बी से डिनोट किया है, और एंगल सी है उसके अपोजिट साइड को आपने स्मॉल सी से डिनोट किया। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ए बी का लेंथ, देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ए बी का लेंथ को स्मॉल सी से डिनोट कर रहे हैं, ए सी के लेंथ को स्मॉल बी से, और बी सी के लेंथ को आप स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ईजी है, एक सेंटर का फॉर्मूला भी याद करना, इसका मैं डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ,
तो अगर आपने यहाँ पे निकाल रहे हो एक्स सेंटर आई वन, मतलब एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एंगल बी और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिले हैं उसको आपने यहाँ पे बोला आई वन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप आई वन निकाल रहे हो तो यहाँ पे पहले माइनस साइन आ जाता है, माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, बेसिकली माइनस साइन उधर आ रहा है जिस एंगल का आपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया है और बाकी दो एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर आप ले रहे हो। ठीक है, समझ में आया कुछ बताइए एवरीवन। मैं इरेज कर देती हूँ, ये नहीं समझ में आया तो वापिस से पूछ सकते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाता है एक सेंटर के ऊपर, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एक सेंटर होता क्या है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ट्रायंगल के एक एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और बाकी दो एंगल के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मिल गए, तो आपको ट्रायंगल के अंदर तीन एक्सेंटर यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सेंटर इन एनी ट्रायंगल थ्री, और ये उनके कोऑर्डिनेट निकालने के आपको डायरेक्टली मैंने आपको फॉर्मूला दिया। ठीक है, इन सेंटर का तो हमने डिराइव भी किया था लेकिन एक्सेंटर का डिराइव नहीं कर रहे, टाइम नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे स्टूडेंट आई वन ये क्या है, बेसिकली आप बोल सकते हैं ये एक्सेंटर वो है जहाँ पे अपने एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और बाकी दो एंगल्स का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट में मीट किया है उसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी। वैसे ही आप सेकेंड एक्सेंटर एंड थर्ड एक्सेंटर निकाल सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे। एवरीवन कुछ ऑब्जर्व किया आपने, ये देखिए यहाँ पे आई थ्री लिखा है, मतलब यहाँ पे क्या है, इन्होंने जो पॉइंट लिया है यहाँ पे, जो आप बोल सकते हैं एंगल सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया है। ठीक है, और जो बाकी जो रह गया ए और बी उसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिले हैं ये आपको थर्ड एक्सेंटर देगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन लगा है। एवरीवन मैं चैट में भी देख लेती हूँ किसी ने कुछ पूछा है क्या, स्टूडेंट समझ में आया मैम सी के साथ माइनस क्यों लगा है? अच्छा ये ना, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, मैं अभी डिराइव नहीं कर रही यहाँ पे, सिर्फ ये बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे जो इनका रिलेशन की बात करें ना, जो इन सेंटर के बारे में याद है स्टूडेंट हमने पूरा डेरिवेशन किया था। इन सेंटर क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल के जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ना जहाँ पे मीट करे थे उसको हमने बोला था इन सेंटर। ठीक है, एक बार देखिए ऐसा कुछ डायग्राम आ रहा था हमारे पास, इसका पूरा डिराइव नहीं किया मैंने, देखो पहले इन सेंटर की बात करते स्टूडेंट, वहां पे कुछ ऐसा बन रहा था अंदर, हमें सर्कल मिल रहा था। ठीक है, यस मैम। हाँ, तो वहां पे मैंने आपको डेरिवेशन करके बताया था कि जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम थी वो क्या बताते थे, जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जैसे ये था, एक सेकंड यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे नाम दिया ए बी सी। ठीक है, तो आपने सपोज ये एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर ले लिया, ठीक है, इसका नाम दे दिया ए डी। तो यहाँ पे बेसिकली ए डी है ना बी सी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये याद है मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको, जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है या एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को वो रेशियो में डिवाइड करते हैं जिस साइड ने मिलके वो एंगल बनाया है। मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, डी बी अपॉन डी सी मिल रहा है, ये ए बी अपॉन ए सी के। ठीक है एवरीवन, और यहाँ पे इनकी लेंथ भी हमें पता है क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट टेंशन मत लीजिए, ये डेरिवेशन अभी नहीं करा है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे एक्स सेंटर का वर्ड आ रहा है यहाँ पे, ये डेरिवेशन आपको चेत में पूरा आपको दे सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अभी बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे जो आई यहाँ पे मैंने दिखाया है ये आई है इन सेंटर, आई वन क्या है यहाँ पे एक्स सेंटर, और यहाँ पे जो रिलेशन मैंने बताया स्टूडेंट ये वाला है, इन सेंटर एंड एक्स सेंटर आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट के बारे में याद होगा सबको, याद है कि नहीं, मैंने अगर बताया था कि P और Q पॉइंट है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A एंड B, तो इसका मतलब किसी को याद है? तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट दिखा भी देती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट भूल भी गए लगते हैं, जहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला आपने अप्लाई किया था वही चीज है, एक एक बार दिखा देती हूँ। अगर आपके पास P एंड Q है ये बोल रहे हैं आप हार्मोनिक कॉन्जुगेट है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट आप बोलते हैं यहाँ पे A एंड B। ठीक है, तो इसका मतलब ये था, आपने बताया था कि पी ए अपॉन पी बी, ये अगर आपका एम अपॉन एन आ रहा है तो यहाँ पे मतलब इंटरनली डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट, यहाँ पे ये इंटरनल और यहाँ पे दूसरा अगर क्यू है
तो यहाँ से आपको मिल रहा है क्यू ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू एम अपॉन एन, बट ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे माइनस साइन आपको मिल रहा है। पूरा डेरिवेशन आपको चाहिए तो मैं डेरिवेशन प्रोवाइड करती हूँ स्टूडेंट, अभी के लिए ये वाला आपको जानना चाहिए क्योंकि अगर सपोज कोई एमसीक्यू आता है कि एक्स सेंटर है क्या, तो आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसके ऊपर क्वेश्चन रेयरली पूछा जाता है। ठीक है एवरीवन, ठीक है, क्योंकि आपका सेकंड के दिन टेस्ट है, उसमें टॉपिक एक्स सेंटर लिखा है, जस्ट आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आते नहीं है इसके ऊपर, बट एमसीक्यू आ सकता है तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है बताइए। स्टूडेंट तो अभी हम इतना ही एक्स सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरा आपको चाहिए तो यहाँ पे बाकी का भी डिराइव कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया ट्रायंगल के अंदर आपको कितने एक्स सेंटर मिलेंगे, तीन, तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, ये डायग्राम को आगे एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है अभी स्टूडेंट आगे जो हम करेंगे, सिर्फ यहाँ पे मैं थियरम का स्टेटमेंट बताने वाली, प्रूफ भी मैंने नोट्स में दिया हुआ है, बट प्रूफ नहीं कर रहे हैं, प्रूफ आपके लिए मैंने लिखा हुआ है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो थियरम मैं आपको स्टेटमेंट बता देती हूँ, आपको अगर कोई क्वेश्चन में बोले कि आपको डिस्टेंस निकालना है किसका, एक पॉइंट का एक लाइन से, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, तो इसका मतलब ये है कि अगर देखो यहाँ पे थियरम का स्टेटमेंट भी मैंने लिखा है, प्रूफ भी दिया हुआ, लेकिन प्रूफ नहीं करेंगे अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं, थियरम का स्टेटमेंट यूज करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर स्मॉल पी क्या है, लेंथ है ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन टू द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे स्मॉल पी मैंने बताया है दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है, तो अगर आपके पास कहीं पे कोई पॉइंट था जैसे पी पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिया है एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है, आपने एक लाइन है जिसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट डिस्टेंस निकालना है ये वाले पॉइंट का और ये लाइन से, मतलब ये पॉइंट दिया है और ये लाइन से डिस्टेंस बताना है, और आपने पढ़ा है स्टूडेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, बताइए स्टूडेंट पढ़ा है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि आपने ये पॉइंट पी से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर का लेंथ इन्होंने स्मॉल पी से बोला है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा रहेगा क्वेश्चन में, आपको बोलेंगे कि कोई पॉइंट दे देंगे और लाइन का इक्वेशन दे देंगे कि बताइए ये पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कितना है, इसका मतलब ये है कि आप बेसिकली जो स्मॉल पी ले रहे हैं कि वो लेंथ है परपेंडिकुलर फ्रॉम ये वाले गिवन पॉइंट से लाइन के ऊपर, तो डायरेक्टली हमें ये फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट, मतलब यहाँ से पॉइंट पी का लाइन से डिस्टेंस कितना है, मतलब इट इज सेम एज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी टू द गिवन लाइन। ठीक है एवरीवन, यस मैम, ठीक है, तो प्रूफ मैंने दिया हुआ है स्टूडेंट, किसी को प्रूफ जानना है बहुत इजी है, आपको पढ़ के भी समझ में आ जाएगा, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं पूरा प्रूफ यहाँ पे आपको समझा नहीं रही हूँ, लेकिन प्रूफ यहाँ पे नोट्स में दिया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम यूज करेंगे कि अगर आपको कोई पॉइंट दिया है उसका एक लाइन से आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डायरेक्टली इसका मतलब है कि जो परपेंडिकुलर आपने गिवन पॉइंट से ड्रॉ किया है उसका लेंथ ये ऐसा निकाले। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यूज करेंगे, प्रूफ दिया हुआ है इसका, लेकिन मैं प्रूफ अभी नहीं करा रही हूँ, आप पूरा बहुत इजी आप देख के भी समझ जाएंगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट की बात की जाए स्टूडेंट, नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। स्टूडेंट पैरेलल लाइन का समझ में आया था, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, अगर उनके बीच में डिस्टेंस अगर आपको निकालना है, तो उसका ये थियरम है या स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ये डायरेक्टली यूज करेंगे, प्रूफ भी मैंने दिया हुआ है, बहुत इजी आप पढ़ के भी समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, तो मैं यहाँ पे थियरम का स्टेटमेंट यूज करके क्वेश्चन सोल्व करूंगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, या आप बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन, वो कैसे आता है, वो है यहाँ पे कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो इज गिवन बाय डी इज इक्वल टू यहाँ पे मॉडुलस ऑफ सी वन माइनस सी टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये आया कहाँ से स्टूडेंट, जो आपने अभी पहले वाला जो थियरम का स्टेटमेंट मैंने दिखाया था कि एक पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते, वही थियरम को यूज करके इसका प्रूफ आता है, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है, तो इनका डिस्टेंस की बात करें तो स्टूडेंट बेसिकली डिस्टेंस ये आ गया है मॉडुलस ऑफ सी वन माइनस सी टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका प्रूफ भी बहुत इजी है, मैंने दिया हुआ है, लेकिन अभी के लिए हम प्रूफ डिस्कस नहीं करेंगे,
प्लीज बताइए पैरेलल लाइन का मतलब समझ में आता है आपको? जैसे ये लाइन है और ये लाइन, ये पैरेलल लाइन, ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ पे जो प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है उसमें क्या किया आपने, इन दोनों लाइन में से कोई भी एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, जैसे यहाँ पे आपने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, और ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है और यहाँ पे आपको इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं यहाँ पे, ये निकालना है, ठीक है। तो जो पहला थ्योरम मैंने बताया वही स्टेटमेंट यूज किया है, क्योंकि ये पॉइंट पी के कुछ कोऑर्डिनेट आपने ले लिया, जैसे एक्स वन कॉमा वाई वन ले लिया, तो ये वाली लाइन के ऊपर है, जैसे इसको एल टू बोल दिया, इसको एल वन बोल दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने जो पहला अभी थ्योरम पढ़ा था वो स्टेटमेंट यूज किया है, और ये पॉइंट इसके ऊपर भी है तो इसके इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, उसी को यूज करके हमें क्या मिलता है, ये मिलता है कि यहाँ पे जो पी क्यू ये जो है आपका डिस्टेंस है, ये आपको ये मिलेगा अंडर यहाँ पे मॉडुलस ऑफ सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे बेसिकली क्या मिल रहा है, ऑब्जर्व करेंगे तो कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये x और y के जो कोएफिशिएंट है स्टूडेंट, उनका देखिए यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड करके यहाँ पे अंडर रूट निकाला है। प्लीज बताइए किसी को डाउट है यहाँ पे? प्रूफ मैंने यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्लास में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे, आपके फाइनल एग्जाम में भी हो जाए एग्जाम में, ठीक है स्टूडेंट? प्रूफ मैंने दिया हुआ है, नहीं किसी को समझ में आएगा पढ़ के तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? करें क्या क्वेश्चन एवरीवन? एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट, क्योंकि पूरा थ्योरम अगर मैं अभी एक्सप्लेन करने गई तो पूरा एक लेक्चर चला जाएगा, तो अभी के लिए सिर्फ मैं आपको स्टेटमेंट यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने का बोल रही हूँ, ठीक है एवरीवन? तो जो भी हमने अभी दो थ्योरम की बात करी है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, और दूसरा बताया डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन, उसके ऊपर चार पांच क्वेश्चन है, उससे सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो वो हमें करना है, ठीक है? तो प्लीज यहाँ पे क्वेश्चन वन दिया हुआ है, रीड कीजिए और यहाँ पे बताइए कैसे करेंगे, ठीक है? आपको बताना है स्टूडेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन 7x plus 24y minus 50 is equal to 0. कुछ समझ में आया? क्या बोल रहे हैं ये? इसका मतलब है कि आपका ओरिजिन जो है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, वो पॉइंट का ये लाइन से डिस्टेंस कितना है ये पूछ रहे, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे अभी पढ़ा था वही आपको, देखो मैं वापस से बता देती हूँ शॉर्ट में, अगर कोई पॉइंट पी दिया है उसके कोऑर्डिनेट दिए एक्स वन वाई वन, और लाइन का इक्वेशन स्टूडेंट कुछ ऐसा दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये पॉइंट का ये लाइन से डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली वो ऐसा आता है मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स और वाई को रिप्लेस कर देंगे एक्स वन वाई वन से, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इतना याद रख सकते हैं बताइए एवरीवन? यही यूज करना है हमें, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा है, तो यहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको 0,0 दिए, चलो लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है? तो कैसा लिखेंगे बताइए आप लोग, ठीक है? गिवन पॉइंट लिख सकते हैं हम ऐसा, द पॉइंट आप नाम जो देना चाहिए ले दीजिए, द पॉइंट ओ ओरिजिन है तो पॉइंट ओ लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, ठीक है? तो यहाँ पे ये हमें दिया है एंड इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, ठीक है? तो ऐसा लिख सकते हैं, द पॉइंट ये है एंड लाइन लिख सकते हैं, इक्वेशन उसका लिख देते हैं लाइन, तो यहाँ पे लिख सकते स्टूडेंट द लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप बताइए कौन सा नोटेशन यूज करूं, क्योंकि यूजुअली हम क्या है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू द गिवन लाइन हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। आप बताइए कौन सा नोटेशन यूज करना चाहेंगे, आप बता दीजिए स्टूडेंट, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ओके लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मतलब ओ टू द लाइन और टू द लाइन 7x plus 24y minus 50 is equal to 0 is given by, ठीक है? अगर आप उसको p मान रहे हो तो p बोल दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे चाहिए तो आप आगे p ले लीजिए, लेट द लेंथ ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हैं, रुको मैं यहाँ पे करके ही बता देती हूँ, तो यहाँ पे लेट लेट स्मॉल p बी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन
दिस, ठीक है? ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, बताइए अपने शब्दों में आप जैसा लिखना चाहे लिख दीजिए, क्योंकि हमें फॉर्मूला यूज करके ये लेंथ फाइंड करनी है और हमें फॉर्मूला पता है कि बेसिकली लेंथ की बात कर रहे हैं, किसकी लेंथ की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन, मतलब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि ये पॉइंट ओ का ये लाइन से डिस्टेंस कितना है, ठीक है? तो लेट स्मॉल पी बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन दिस, ठीक है? तो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पे स्टूडेंट हमें मिला स्मॉल पी हो गया मॉडुलस ऑफ, समझ में आ रहा है कि नहीं प्लीज बता दीजिए एक बार। यस मैम। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये इक्वेशन दी हुई है, तो क्या करेंगे, एक्स और वाई को रिप्लेस किससे करना है, 0,0 से, क्योंकि ओ के कोऑर्डिनेट है 0,0, मतलब एक्स वन वाई वन की वैल्यू 0 और 0 है यहाँ पे। तो हमें क्या मिलेगा देख लीजिए, 7 × 0 प्लस यहाँ पे मिलेगा 24 × 0 एंड यहाँ पे फिर क्या है -50 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, किसी को याद है यहाँ पे एक्स और वाई के जो कोएफिशिएंट है, अंडर रूट ऑफ 7² + 24², ठीक है? तो देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं डायरेक्टली, एक सेकंड स्टूडेंट, वेरी गुड, यहाँ पे देख लीजिए और ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है? ये लेंथ है परपेंडिकुलर की, तो ये आपको बाद में लिखते हैं, यूनिट लिख देंगे यहाँ पे। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मिला मॉडुलस, ये स्टार्टिंग के दो टर्म जीरो हो रहे हैं न्यूमरेटर में स्टूडेंट, तो यहाँ पे मिला -50 और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ स्टूडेंट बताइए 7 का स्क्वायर कितना होता है, और यहाँ पे 24 का स्क्वायर 576, वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है क्योंकि मॉडुलस ऑफ -50 सेम एज मॉडुलस ऑफ 50, तो पहले एक बार इसको लिख लेते हैं, ये मिला मॉडुलस ऑफ -50 और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कितना मिल रहा है स्टूडेंट आपको, 625, वेरी गुड, ठीक है? तो यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप पे मैं दिखा देती हूँ आपको, तो ये मिलेगा आपको मॉडुलस ऑफ -50 और नीचे आपको मिलेगा देखिए 25, वेरी, ठीक है? किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। अभी क्या करेंगे बताइए, ये क्या मिल रहा है स्टूडेंट, ये आपको मिल रहा है मॉडुलस ऑफ -2, ठीक है? कैंसिल कर सकते हैं 25 बन जाइए, 5 से भी करेंगे तो भी, तो आंसर कितना आएगा 2, वेरी गुड, दीपिका ने भी आंसर दिया है, बाकी लोग भी बताइए, क्योंकि मॉडुलस की बात करें स्टूडेंट, मॉडुलस का आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव, मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना है 2 units, ठीक है? तो ये हम लिखेंगे 2 units, ठीक है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 units, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे हमें लिखते हैं देयरफॉर टी इज इक्वल टू दिस, या लास्ट में जो पूरा लिखना चाहे तो लिख दीजिए स्टूडेंट, देयरफॉर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन इज 2 units, ठीक है एवरीवन, समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, student, very good. यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने आंसर दिया था ऊपर, लेकिन स्टूडेंट लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है? लेंथ हमेशा मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मॉडुलस इसलिए यूज किया है क्योंकि वो लेंथ की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात करें डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है? तो इसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आएगा आपका, पी इज इक्वल टू 2 units हो गया ये वाले केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगर किसी को डाउट है पहले वाले में तो प्लीज पूछ लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ऐसे ही जो हमने किया है वही फॉर्मूला, मतलब वही थ्योरम यूज करना है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन लाइन। बताइए स्टूडेंट यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन दिस, लेकिन पहले लाइन को प्रॉपरली लिखना पड़ेगा ताकि मिस्टेक ना हो आपसे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लाइन को कैसे लिखेंगे, प्रॉपर अगर लिखना चाहे तो ये हो जाएगा आपके पास 12x - 5y - 13 = 0, लिख सकते हैं ऐसा? Yes, जो पॉइंट दिया स्टूडेंट, तो पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट आपको दिया है -2, 3 दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जो दिए है कोऑर्डिनेट -2, 3 फ्रॉम द लाइन, ये बोला है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट, अगर स्मॉल पी अगर आप बोल रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस है, लेट स्मॉल पी बी द डिस्टेंस, आप चाहे तो स्मॉल पी की जगह दूसरा भी नोटेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बुक में स्मॉल पी ही यूज करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। सो लेट स्मॉल पी बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड कैलकुलेट करके बताइए स्टूडेंट कितना आ रहा है आपका डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2, 3 फ्रॉम द लाइन, और अभी भी लाइन को हम ये वाला इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि हमने इसको अच्छे से लिखा है, फ्रॉम द लाइन 12x - 5y - 13 = 0, ठीक है? तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, सो देयरफॉर
स्टूडेंट क्या हो जाएगा, स्मॉल पी आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, एवरीवन बताइए एक्स और वाई को किससे रिप्लेस करना है, एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस टू से, ये लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन के, ठीक है। तो ये हो गया 12 × −2, फिर यहाँ पे हो जाएगा, पहले माइनस साइन है, सो यहाँ पे −5 × y की वैल्यू 3 एंड यहाँ पे −13। वापिस से रिपीट कर रही स्टूडेंट, ax + by + c = 0 लाइन का इक्वेशन रहता है, तो जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में ax + by + c में आपको x और y को रिप्लेस करना है x1 y1 से, x1 यहाँ पे −2 है, y1 है यहाँ पे 3, ठीक है। और डिवाइडेड y क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट 12 है, y का कोएफिशिएंट −5 है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख के दिखा देती हूँ, तो यहाँ पे आएगा √12 का स्क्वायर, ये वाली चीज आपको नोटिस करनी है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा −5 का स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करके बताइए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये हो गया मॉडुलस ऑफ स्टूडेंट बताइए 12 × −2, −24 हुआ पहले, तो −15 −13, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है हमें देख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ, अच्छा 144 + 25, तो मुझे लगता है ये देखा हुआ है सब लोग स्टूडेंट ने कि 169 का अंडर रूट ना, चलो करते हैं इसको, वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे चलो करते हैं इसको, ऊपर क्या आ रहा है न्यूमरेटर में, ये मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस का सिंबल है स्टूडेंट, और ये कितना हो गया बताइए, −24 −15 −13, ये ठीक है। तो ये कितना हो गया देखिए, ये तो −28 हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे, दो माइनस साइन तो इधर आ रहा है आपका, और ये मुझे लग रहा है 52 आ रहा है या कुछ -52, क्योंकि बाहर यहाँ पे स्टूडेंट मैग्नीट्यूड है ना, तो माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि आंसर हमारा पॉजिटिव ही आएगा, तो पता ये कितना आ रहा है अभी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें मिला मैग्नीट्यूड ऑफ −52 / 13, वेरी गुड। तो यहाँ पे स्टूडेंट 13 की टेबल आती है, मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट का 13 1 13 1 13 4 जा, तो यहाँ पे फाइनल लिख लेते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट, तो आंसर सबका 4 आया है, 4 यूनिट, तो यहाँ पे वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ लोगों ने आंसर भी दे दिया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ −4 हो गया, और ये हमारा नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज देयरफॉर स्मॉल पी आपका हो गया 4 यूनिट, ठीक है। पूरा लास्ट तक लिखना है, तो स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, फाइनल स्टेटमेंट में देखिए, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये जो है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं −2, 3 फ्रॉम द लाइन 12x = 5y + 13 इज, कितना लिखेंगे, 4 यूनिट, सबका सेम ही आंसर है बताइए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो ये हमने यूज किया, तो अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो पैरेलल लाइन के ऊपर भी एक थ्योरम था, जिस स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया था वो स्टेटमेंट को यूज करके क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो आपको देख के भी पता चल रहा है दो लाइनें पैरेलल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उनका जो कांस्टेंट टाइम है डिफरेंट मिल रहा है आपको, ठीक है। और पैरेलल लाइन का मैंने दूसरा डेफिनेशन भी बताया था स्टूडेंट, याद है कल बताया था ऐसा, a1 upon a2 = b1 upon b2 बट नॉट इक्वल टू c1 upon c2, अगर कोएफिशिएंट को अगर आप कंपेयर करें अगर ऐसा, तो इससे से भी पता चल जाएगा कि लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन में भी बोला है कि ये दो लाइन आपका पैरेलल है, उनके बीच का डिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट बताइए कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है, यहाँ पे तो डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे चलेगा ना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ऐसा, अगर कंपेयर करना है तो कंपेयर कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्टली लिखना चाहे तो डायरेक्टली लिख दीजिए, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन the पैरेलल लाइन, तो यहाँ पे नोटेशन आपकी मर्जी है कौन सा यूज करना चाहेंगे आप, क्योंकि हमने जो थियरम दिखाया था उधर तो डी लिखा था, स्मॉल डी, आप चाहे तो दूसरा भी लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 4x − 3y + 5 = 0 एंड 4x − 3y + 7 = 0 इज, ठीक है। आप भी बताइए अगर कौन सा नोटेशन, अगर आप डी नोटेशन यूज करना चाहिए तो डी यूज कर लीजिए, ठीक है, पी यूज करना चाहिए तो पी यूज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैंने डी यूज किया तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ, पूरा लिख नहीं रही यहाँ पे, क्या था याद है किसी को, कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंस,
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म की बात करें तो सी वन बोल सकते हैं, फाइव है, सी टू बोल सकते हैं, सेवन है, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख दो ना, चलेगा यहाँ पे फाइव माइनस सेवन, और यहाँ पे डिनोमेटर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, बताइए स्टूडेंट, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट यहाँ पे है फोर, इसका स्क्वायर हो गया फोर का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, माइनस थ्री का स्क्वायर। एवरी वन पक्का ना? तो यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, तो क्या मिला हमें, ये मिल रहा है मॉडुलस ऑफ माइनस टू, और डिनोमेटर में क्या मिल रहा है यहाँ पे, एवरी वन 25. ये 16 प्लस 9, वेरी गुड। ये मैं डायरेक्टली लिखा, आप चाहे तो पूरा फॉर्मूला लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन टाइम हमें बचाना है इसके लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ माइनस टू अपॉन ये अंडर रूट ऑफ 25 हो जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका आंसर मुझे लग रहा है ये मिलेगा माइनस टू अपॉन फाइव, मॉडुलस है लेकिन मॉडुलस का आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, तो टू अपॉन फाइव यूनिट्स। किसी को डाउट है प्लीज बताइए। तो हमारा यहाँ पे देखो डी इज इक्वल टू दिस हो गया, लास्ट में लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टू पैरेलल लाइन इज टू अपॉन फाइव यूनिट, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन, वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू पैरेलल लाइन, बिटवीन गिवन पैरेलल लाइंस, गिवन पैरेलल लाइंस इज, अच्छे से लिखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं आ रहा है, टू अपॉन फाइव यूनिट्स, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, समझ में आया सबको? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया, उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये जो दो थियरम मैंने बताया था स्टेटमेंट उसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे कवर हो गए, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो हूज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन एक्स प्लस टू वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो इज रूट फाइव। कुछ समझ में आया? आपको वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो ये वाली लाइन के ऊपर भी लाई कर रहे हैं, और साथ में क्या बताया है, वो पॉइंट का डिस्टेंस ये वाली लाइन एक्स प्लस टू वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो से रूट फाइव दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बताइए कैसे करेंगे, जिस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है तो उसको हम कुछ मान लेते हैं ए कॉमा बी या एच कॉमा की, आप बताइए क्या माने, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा? एवरीवन यस मैम, ठीक है, लिख सकते हैं लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी, अच्छा पी मान लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट आप बताइए, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी मान ले या स्मॉल एच कॉमा स्मॉल के मान लीजिए, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और ये पॉइंट क्या है, ये वाली लाइन के ऊपर भी है, एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो लिख देते हैं, देयरफॉर ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी, पी लिया है और यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट पी जो है लाइज ऑन द लाइन एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है स्टूडेंट, इसके ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। किसी को डाउट है इसमें, बताइए स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ जो पॉइंट लिया है पी लिया है जिसके कोऑर्डिनेट स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी लिया है, वो लाइन एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो पे लाई करते हैं तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमने यहाँ से लिखा है ए प्लस बी प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है स्टूडेंट। और क्या पता है आपको, पता है ये जो पॉइंट पी है इसका डिस्टेंस ये वाली लाइन से एक्स प्लस टू वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो से रूट फाइव दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके साथ हम ये डायरेक्टली लिख लेते हैं, ऑल्सो डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ स्टूडेंट, आप चाहे तो पूरा वर्ड में लिख के बता सकते हो, तो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं रूट फाइव आपको क्या दिया है, ये दिया है मॉडुलस ऑफ, ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये सेकंड इक्वेशन है एक्स प्लस टू वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर रही हूँ ए से, वाई को रिप्लेस कर रही हूँ बी से। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, वही जो डिस्टेंस फॉर्मूला भी हमने सीखा था, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन लाइन, तो यहाँ पे देख लीजिए ए हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस टू बी, ए प्लस टू बी, फिर है इसके बाद यहाँ पे प्लस टू, और डिनोमिनेटर की बात की जाए स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे हो गया वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, ठीक है।
वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। किसी को डाउट है प्लीज बताइए यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जो सेकंड इक्वेशन दी है लाइन की, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट वन है, वाई का कोएफिशिएंट टू है, ठीक है। तो हम वही करते थे, डिनोमिनेटर में लिखते थे एक्स के जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, फिर टोटल का अंडर रूट था डिनोमिनेटर में, ठीक है। प्लीज बताइए ये वाली बात समझ में आई? यस मैम। ओके, इसको ही सोल्व करना स्टूडेंट यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, तो हमें मिला दिस इम्प्लाइज रूट फाइव इज इक्वल टू, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, मॉडुलस ऑफ हो गया यहाँ पे ए प्लस टू बी प्लस टू, और यहाँ पे मिल रहा है अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे वन प्लस फोर मिल रहा है स्टूडेंट, देख लीजिए, मतलब डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिखा है, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लिए। रूट फाइव लिख सकती हूँ ना ऐसा, एवरी वन बताइए, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, लेकिन सबको इतना ही मिल रहा है अभी तक। अभी स्टूडेंट याद है मॉडुलस की मैंने बात करी थी, जब मॉडुलस का रहता है आपको जैसे दिया रहता है, तो रूट फाइव इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस टू बी प्लस टू अपॉन रूट फाइव दिया है, मतलब ये जो मॉडुलस के अंदर आपने लिखा है ये प्लस या माइनस हो सकता है। एवरी वन याद है कि नहीं? मैम ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि आप इसको पूरा लिखना चाहे तो इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस टू बी प्लस टू अपॉन रूट फाइव इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट फाइव, ऐसा लिख दो क्या मैम मुझे बताइए एवरी वन, या ऐसा भी लिख सकते हैं रूट फाइव इज इक्वल टू प्लस या माइनस ऑफ ए प्लस टू बी प्लस टू अपॉन रूट फाइव, ठीक है, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। एवरी वन बताइए यहाँ पे रूट फाइव है, ठीक है रूट फाइव, एक सेकेंड यहाँ पे मेरा मिस्टेक है, रूट फाइव आएगा एवरी वन, क्योंकि जो मॉडुलस के अंदर जो है स्टूडेंट, ठीक है, देखिए लेफ्ट साइड में हमने रूट फाइव लिखा है और राइट साइड में लिख रहे हैं मॉडुलस ऑफ ए प्लस टू बी प्लस टू अपॉन यहाँ पे रूट फाइव, मतलब ये जो पूरा है मॉडुलस के अंदर है इसकी वैल्यू या तो प्लस रूट फाइव है या माइनस रूट फाइव, ठीक है। अभी स्टूडेंट दो अलग अलग केस लेंगे यहाँ पे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ पे सोल्व करके मुझे बताइए क्या आ रहा है। पहले जैसे मैंने प्लस लिया तो स्टूडेंट क्या मिलेगा ए प्लस टू बी प्लस टू, और यहाँ पे अगर आपने प्लस साइन लिया है तो यहाँ पे रूट फाइव इंटू रूट फाइव करके आपको फाइव मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर यहाँ पे चाहिए तो मैं इधर ही लिख देती हूँ, तो यहाँ पे मिलेगा ए प्लस टू बी प्लस टू, नीचे आपको डिनोमिनेटर रूट फाइव है, राइट साइड में आप लेंगे माइनस रूट फाइव, ठीक है स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको क्या मिलेगा माइनस फाइव। एवरी वन बता दीजिए, क्योंकि मैं शॉर्ट में लिखा है, किसी को नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज पूछ लीजिए, समझ में आया, क्योंकि मैंने एक स्टेप रिड्यूस कर दिया है, ठीक है, डायरेक्टली एक स्टेप रिड्यूस किया है, तो रूट फाइव को क्रॉस मल्टीप्लाई करना था वो कर दिया है। अभी दो अलग अलग केस बन रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, बताइए पहले वाले में क्या मिल रहा है आपको, पहले वाले में मिल रहा है ए प्लस टू बी इज इक्वल टू थ्री मिल रहा है शायद से, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। दूसरा हम यहाँ से बोल रहे हैं, देख लीजिए ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन, किसी को डाउट है इसमें एवरीवन? नो मैम। अभी क्या करना है स्टूडेंट को समझ में आया, जो हमने स्टार्टिंग में नंबर वन दिया था ना इक्वेशन नंबर वन, और यहाँ से आपको दो मिल रही है इक्वेशन, तो यहाँ से इसका कुछ नंबर देना चाहे तो नंबर दे देते हैं, इसको नंबर टू बोल देते हैं, ये वाली जो है इक्वेशन नंबर टू है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। तो इक्वेशन वन एंड टू को साथ में सोल्व कीजिए, इक्वेशन वन एंड थ्री को साथ में सोल्व कीजिए, तो आपको दो अलग अलग वैल्यू मिलेगी, मतलब दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे जिसका, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस दिया होता है स्टूडेंट, जिसका डिस्टेंस गिवन लाइन से आपको रूट फाइव मिलता है, तो यहाँ पे मैं लिखते हैं वी हैव टू सोल्व इक्वेशंस वन एंड टू, ये हो गया, एंड दूसरा वाला आपको करना है इक्वेशन वन एंड थ्री को साथ में सोल्व, ठीक है, वी हैव टू सोल्व इक्वेशन वन एंड टू, एंड उसके बाद वन एंड थ्री को, बताइए स्टूडेंट क्या आ रहे हैं, पहले वाले में क्या पता चल रहा था आपको, एक बार लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो मिला था, और इक्वेशन टू में आपको मिल रहा है ए, ओके मैं लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, दो केस यहाँ पे बना लीजिए आप चाहे तो, यहाँ पे बना देते, केस वन केस टू आपको अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा, केस वन, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे तो हमें अभी पता था ए प्लस, इक्वेशन नंबर वन में क्या था, ए प्लस बी प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से इक्वेशन टू लिया, तो यहाँ पे मिल रहा है आपको ए प्लस
टू बी और ये थ्री को अगर लेफ्ट साइड में लेके आए तो माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो मिला। प्लीज बताइए समझ में आया? अभी क्या करें, इनको एड करूँ या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना स्टूडेंट, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इजिली हो जाएगा। ये माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन। तो यहाँ पे देख लीजिए ए और माइनस ए कैंसिल। एवरी वन प्लीज बताइए यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, माइनस बी और यहाँ पे प्लस थ्री और प्लस थ्री, ये कितना मिला? प्लस सिक्स। ठीक है, हाँ। तो यहाँ से स्टूडेंट मैं नेक्स्ट वाले में दिखाती हूँ, केस टू का भी इधर दिखा देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अलग अलग आपको सोल्व करना है। इक्वेशन वन क्या थी हमारे पास, ए प्लस बी प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, और इक्वेशन थ्री यहाँ पे लिखी हुई है ए प्लस टू बी और यहाँ पे प्लस सेवन हो जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा तो इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी क्या करें स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन कर ले, तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्लीज बता दीजिए, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो गया है। ए और माइनस ए कैंसिल और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट, माइनस बी मिलेगा, बी माइनस टू बी, माइनस बी मिला और यहाँ से मुझे लग रहा है माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे मैं आगे दिखा देती हूँ, यहाँ पे ऐसे ही बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें मिला है बी की वैल्यू मिल रही है माइनस बी इज इक्वल टू सिक्स, यहाँ पे था माइनस बी इज इक्वल टू माइनस सिक्स, इसका मतलब है यहाँ पे आपको मिल रहा है बी इज इक्वल टू सिक्स। ठीक है, बी इज इक्वल टू सिक्स मिला स्टूडेंट, या तो इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे या टू में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे टू में अगर सब्स्टिट्यूट किया तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम टू, फ्रॉम इक्वेशन टू आपको मिल जाएगा क्या, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू थ्री, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू थ्री मिल रहा था, यहाँ से आपको मिल रहा है ए प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू थ्री। मतलब यहाँ से स्टूडेंट कितना मिल रहा है, ए की वैल्यू बताइए, थ्री माइनस ट्वेल्व मिलेगा ना आपको। यहाँ ए की वैल्यू चेक कर लेते हैं, माइनस नाइन है यहाँ पे, वेरी गुड। यहाँ पे तो एक तो आपको ये मिल गया, मतलब एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गया माइनस नाइन कोमा सिक्स। ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट ए कोमा बी लिए थे स्टूडेंट। और दूसरे वाले केस में बताइए क्या आ रहा है, यहाँ पे दूसरे वाले केस की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ से माइनस बी इज इक्वल टू फोर आ रहा है, माइनस बी इज इक्वल टू फोर आया, मतलब यहाँ से आपको मिल रहा है बी इज इक्वल टू माइनस फोर। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू माइनस फोर आया स्टूडेंट, यहाँ पे आप चाहे तो इक्वेशन थ्री में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन थ्री। तो यहाँ पे ए प्लस टू बी ना, ए प्लस टू बी, बी की वैल्यू है माइनस फोर, ये आपको दिया हुआ है इसके बराबर माइनस सेवन के। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट बताइए कितना आ रहा है आपको, ए फिर है माइनस एट इज इक्वल टू माइनस सेवन, ए की वैल्यू बताइए यहाँ से, ए की वैल्यू माइनस सेवन प्लस एट वन आ रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें यही मिला है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे वो दिखा देते एक बार, क्योंकि ये वाले केस में आपको एक पॉइंट निकालने के लिए बोला था लेकिन मिले कितने, दो पॉइंट मिले। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम यहाँ पे देयरफॉर, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स, क्योंकि पॉइंट ही बोला था क्वेश्चन में लेकिन दो पॉइंट हमें मिल रहा है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द लाइन, यहाँ पे क्या था उसका क्वेश्चन का है, यहाँ पे ऑन द लाइन एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ऑन द लाइन एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो आर, यहाँ पे जीरो है स्टूडेंट आर, यहाँ पे आप बताइए आपने क्या नाम दिया था, पी नाम दिया था ना, तो यहाँ पे एक सेकेंड क्या मिस्टेक हुआ, जीरो आर। फ्रेंड बताइए क्या क्या लिखे यहाँ पे, एवरी वन एक तो हो गया माइनस नाइन कॉमा सिक्स। ठीक है, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट क्या माना था, ए कॉमा बी माना था, यहाँ पे माइनस नाइन कॉमा सिक्स हो गया, माइनस नाइन कॉमा सिक्स। और दूसरा बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा है, वन कॉमा माइनस फोर, वन कॉमा माइनस फोर, यही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया, प्लीज बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन में बोला है एक पॉइंट बताना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट बोला लेकिन आपको कितने पॉइंट मिले, दो पॉइंट मिले हैं ये लाइन के ऊपर x plus y plus 3 is equal to 0, जिसका डिस्टेंस ये वाली लाइन x plus 2y plus 2 is equal to 0 से रूट 5 आता है। ठीक है स्टूडेंट बताइए, तो हमने जो दो थ्योरम का स्टेटमेंट यूज किया उसका प्रूफ मैंने यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है, अगर किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट है तो यहाँ पे प्रूफ पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रूफ एग्जाम में इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ, एंड वन सेकेंड